धरती बचाओ मंच ने आज माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और भोपाल राज्य की शासिका कुदेसिया बेगम ने हयाते कुदसी में, जो कि उनकी आत्मकथा है, उसमें जिक्र किया है कि यहाँ की जामा मस्जिद का निर्माण 1832 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1857 ईस्वी में पूर्ण हुआ। उसमें उस समय 5 लाख रुपए की राशि लगी थी और उन्होंने इसमें यह भी जिक्र किया कि यहाँ पर एक खंडहर नुमा शिव मंदिर था जिसको कि तोड़कर इसका के नाम से सभा मंडप के नाम से जाना जाता था। जब वो स्वयं अपनी आत्मकथा में वो लिख रही हैं कि इसमें जो है यहाँ शिव मंदिर था, हम पुरातत्व विभाग से ये मांग करना चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से हमने यही मांग करी, मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करते हैं कि जितने भी आताताइयों ने हमारे मंदिरों को ढहाकर और मस्जिदों का निर्माण किया है वहां पर जो है वो वापस हमारे मंदिरों को, धर्म स्थलों को, हिंदू समाज को सौंपना चाहिए। अपनी याचिका भी संस्कृति बचाओ मंच दायर कर रहा है और जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। बाकी हम मुस्लिम धर्मावलंबियों से यह निवेदन कर रहे हैं कि अगर यह धर्म स्थल है तो बूत पूजा आपका निरर्थक है, बूत पूजा पे आपकी इबादत जो है स्वीकार नहीं की जाती, इसलिए हमारे धर्म स्थल को हमें सौंपा जाए तो यह सहर्ष स्वागत योग्य होगा। क्या सबूत है आपके पास जो इस तरह दावे? सबूत तो हमको पेश जो करना है वो कोर्ट में हम पेश करेंगे और जो आपके सामने प्रस्तुत किए वो एक क्षणिक मात्र है, बाकी आपके सामने सबूत जो है वो हम कोर्ट में पेश करेंगे। जांच का विषय अभी तो जांच भी नहीं बोला भी। देखिए जांच माननीय गृह मंत्री जी से हमने निवेदन किया, वे जांच कराएंगे, बाकी हम कोर्ट में जा ही रहे हैं और कोर्ट अगर सरकार की तरफ से निर्णय नहीं होता तो कोर्ट की तरफ से आदेश जारी होगा। पुरातत्व विभाग से कुछ बात हुई क्या इस मामले? नहीं, हम तो कोर्ट के माध्यम से और हम सरकार के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी ने वो संज्ञान में लेंगे और वो पुरातत्व विभाग को अगर आदेश करेंगे तो उचित, और नहीं तो वैसे हमको उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे क्योंकि वो सभी बातों को निर्भयतापूर्वक सुनते हैं और हमारा निर्णय भी उनके तक पहुँचा दिया है हमने, बाकी नहीं तो हम कोर्ट के शरण तो ले ही रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने आज माननीय गृह मंत्री को ज्ञापन दिया है जिसमें भोपाल राज्य की 8वीं शासिका कुदेसिया बेगम ने हयाते कुदीस में यह निर्णय उल्लेख किया है कि भोपाल की जो जामा मस्जिद चौक बाजार की है उसमें शिव मंदिर था और उस शिव मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया है। 1832 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण प्रारंभ हुआ, 1857 ईस्वी में यह पूर्ण हुआ, 5 लाख रुपए की राशि उस समय इसमें लगी थी। कुदेसिया बेगम ने हयाते कुदीस में यह भी उल्लेख किया है कि यहाँ पर एक विशाल काय शिव मंदिर था जो कि मंडप सभा मंडप के रूप में जाना जाता था, उसको तोड़कर इसका निर्माण किया गया। भारतवर्ष में मुगलों ने जब जब शासन किया, आताताइयों ने जब जब शासन किया है तो हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। 3 मस्जिद तो जो हमारे सामने है, अयोध्या का निर्णय आ चुका है, ज्ञानवापी में आप चली रहा है जहां पर साक्ष्य मिल रहे हैं, अभी मथुरा भी बाकी है और 30,000 की लिस्ट और हमारे पास है। ऐसा ही यहां पर भोपाल की जामा मस्जिद में भी हुआ है। हमने आज गृह मंत्री जी से निवेदन किया कि पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराकर और इस स्थान को संरक्षित किया जाए। आज हम इसको लेकर कोर्ट में भी याचिका दायर कर रहे हैं।